भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देव दीपावली के और कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश को संबोधित किया। सबसे पहले गुरु नानक देव जयंती पर, प्रकाश पर्व पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। 80% से ज़्यादा किसान छोटे हैं, जो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं, उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1,00,000 करोड़ रुपये कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज पूरे देश के किसान तीनों कृषि कानून जो लेकर आए थे वो कृषि कानून किसानों के हित में थे, बड़े पैमाने पे किसानों ने समर्थन किया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे, इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं, ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतोष ना रहे और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपके नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, और ईश्वर से, मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख, शांति, अमन चैन आए, कोरोना हमेशा खत्म हो, सब स्वस्थ रहें और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के